ये तो आप जानते हैं कि किस तरह ओपेक प्लस देश अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि जिसकी वजह से आज भारत में तेल के दाम आसमान छूने में लगे हैं। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसा किया है जिससे ओपेक देशों को तगड़ा झटका लगने वाला है, या यूं कहें कि ये इन देशों को भारत का दूसरा झटका है, और ऐसा होने के बाद भारत के इन देशों पर निर्भरता है वो ना के बराबर रह जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जो भारत से ये देश मोटी कमाई करने में लगे थे उस पर ब्रेक लग जाएगी, जो साफ तौर पर इन देशों की अर्थव्यवस्था को जाम कर रख देगा। दरअसल अभी हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। यहां हम आपको बता दें कि प्रधान ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस नीति पर खास ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा है कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उस समय पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का प्रतिशत सिर्फ 0.67% था, जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपए से भी कम था। प्रधान ने आगे कहा कि 2020-2021 में यह प्रतिशत बढ़ा के 8.5 हो गया है, जिसका मूल्य 18,000 करोड़ रुपए के आसपास है। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% करना है। उन्होंने कहा है कि अब तक सिर्फ गन्ने से तैयार होने वाले एथेनॉल पर जोर दिया जाता रहा था, लेकिन अब इसमें चावल और मक्का को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों अनाज उपभोग से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि इस नीति से किसानों की आमदनी बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल अब यहाँ पर मोदी सरकार ने एक बड़े फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें 422 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 41,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 1675 करोड़ लीटर वार्षिक हो जाएगी। सोचिए इसी मात्रा में जो हम ओपेक देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको भी घटा सकते हैं, जो जाहिर सी बात है ओपेक देशों के पेट में लात मारने के बराबर होगा। और एथेनॉल प्रोडक्शन से हमारे किसानों को भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जो भारतीय इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट देगा। और इसके लिए भारत के 22 राज्य भी तैयार हैं और उन्होंने इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया है, जिसके बाद किसानों और डिस्ट्रीब्यूटर के सप्लाई चेन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और आने वाले 2 से 3 सालों में भारत की जो एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इस वजह से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब साफ है कि भारत अपने ही देश में जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करके अपना ही फ्यूल जनरेट कर पाएगा, और एक तरह से देखा जाए तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल के साथ ही साथ संभालने में आसान, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुरक्षित है। और यहाँ भारत सरकार ने यह आश्वासन दे दिया है कि वो जल्द ही अपने इस टारगेट को अचीव भी कर लेगी।